वो एमएसपी पे कोई कानून ला सकती है, उन्हें बोला कि हम एमएसपी पे को सो सकते हैं, कोई प्रोविजन ला सकते हैं। माहौल खत्म करने के लिए सरकार बात कर रही थी, हम ये सरकार की ये मंशा हम समझ सकते हैं पूरी तरह से। सरकार बैकफुट पे आया है, बहुत सी नरमी उनके आज के रवैये में दिखाई दी, सरकार थोड़ा बहुत मानने के लिए तैयार हो रही है। किसी बिल को लागू करने के बाद सरकार पहली बार ये कर रहे है, ये तो हमारी पहली जीत हम समझते है। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 3 दिसंबर को सरकार और किसान नेताओं के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के किसी नतीजे पर पहुंचने की खबर से पहले एक तस्वीर ने बता दिया कि किसान किस इरादे से सरकार के पास बातचीत के लिए गए हैं। दोपहर तक बैठक के बाद जब भोजन का समय हुआ तब किसानों को भोजन की पेशकश की गई सरकार की तरफ से। किसानों ने सरकार का खाना खाने से इनकार कर दिया, अपने साथ जो लाए वही लेकर जमीन पर बैठ गए। देखिए, नीचे बैठ के खाते हुए खाना और किसान जो है अपना खाना ले गए थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किसान नेता जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। लंगर में बना खाना विज्ञान भवन में खाया जा रहा है। बातचीत मेज पर हुई लेकिन खाना जमीन पर बैठकर। इन किसान नेताओं ने न सिर्फ अपने मुद्दे के प्रति ईमानदारी का इजहार किया है, बल्कि उन तमाम प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया जो इन्हें खारिज करने के लिए चलाए जा रहे हैं। इस तस्वीर में जो इरादा है वो इन्हें खारिज करने की 100 चालों पर भी भारी पड़ने वाला है। सरकार के साथ मेज पर बैठकर बातचीत करने आए इन किसान नेताओं को इस बात का ख्याल रहा कि अनगिनत किसान दिल्ली की सीमा पर जमीन पर बैठे हैं। यह सामान्य तस्वीर नहीं है, यह ऐसी तस्वीर है जो सरकार की हजारों तस्वीरों और दलीलों पर भारी पड़ जाएगी। तो यह तस्वीर बता रही है कि किसान कुछ हासिल करने आए हैं। वे तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश भर में कई हफ्तों तक बड़े आंदोलन हुए। इस आंदोलन में शामिल लोग सरकार से बातचीत की मांग करते रहे, मगर सरकार ने इनके प्रतिनिधियों से बात नहीं की। किसानों ने सरकार को दो दो बार बात करने के लिए मजबूर कर दिया। 2014 के बाद से तमाम अनुभवों को देखें तो दो दो बार बातचीत के लिए मजबूर कर देना सामान्य कामयाबी नहीं है। अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली सरकार बातचीत के लिए आगे आ गई। किसान नेता जब विज्ञान भवन के लिए निकले तभी अपना इरादा साफ कर निकले कि सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य ही कानून में ना लिखा हो, बल्कि तीनों ही कानून वापस लिए जाएं और नए कानून की बात सोची जाए। आज सुबह जब सरकार की तरफ से बैठक में शामिल होने वाले 40 किसान नेताओं और उनके संगठनों के नाम जारी किए गए, इनमें से कुछ संगठनों के नाम हैं भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, जमहूरी किसान सभा, क्रांतिकारी किसान यूनियन, भारतीय किसान सभा, कुल हिंद किसान सभा, कृति किसान यूनियन, पंजाब किसान यूनियन, आजाद किसान संघर्ष कमेटी, जय किसान आंदोलन, दुआबा किसान कमेटी, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी, किसान संघर्ष तालमेल कमेटी। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अंदाजा हो कि पंजाब में किसान आंदोलन किस तरह से संगठित है और उनके बीच आपसी प्रतिस्पर्धा कितनी होगी। कई संगठनों के बीच अगर इन कानूनों की वापसी को लेकर एकता बनी है तो इसी नतीजे तक पहुंचने के पहले की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। हमारे सहयोगी एक तक इस बातचीत को कवर करते रहे। करीब 7.5 घंटे चली चौथे दौर की बातचीत के दौरान पहली बार भारत सरकार ने किसान संगठन के नेताओं के सामने ये आश्वासन देने की कोशिश की कि जो 39 पॉइंट्स हैं 3 नए कृषि सुधार के कानूनों में, जिनमें वो बदलाव के लिए सरकार तैयार है, कानून में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन आज चौथे दौर की बैठक में किसान संगठन के नेताओं ने साफ शब्दों में सरकार को ये बता दिया कि ये तीनों कानून उन्हें मंजूर नहीं हैं और इन्हें जब तक रद्द नहीं किया जाता किसान आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन साथ ही किसान संगठन के नेता जो अब इस 7.5 घंटे की बैठक के बाद इन लग्जरी बसों में बैठकर पुलिस के एस्कॉर्ट गाड़ियों के साथ वापस अपने ठिकाने पर लौट रहे हैं,
इनका ये दावा है कि पहली बार सरकार के रुख में नरमी दिखाई दी है। एक किसान संगठन के नेता ने कहा कि सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि अब तक सरकार ये कहती रही है सार्वजनिक तौर पर कि तीनों कानून किसानों के हित में है, लेकिन पहली बार आज सरकार ने ये कहा है कि वो खुले तौर पर कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। हालांकि इस मांग को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है। एक दूसरी मांग जो MSP के लिए कानून बनाने की जो मांग थी, इस पर भी सरकार ने कहा कि वो विचार कर सकती है या आश्वासन दे सकती है, लेकिन इस पर कानून के बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन यहाँ पर किसान संगठन के नेताओं को आज की बैठक में नहीं मिला। लेकिन ये तय किया गया है कि शनिवार को ठीक इसी जगह विज्ञान भवन में पांचवी दौर की बातचीत होगी सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच। और उससे पहले ये नेता जो अपने ठिकाने पर अब वापस लौट रहे हैं, इनकी कल 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है, और इस बैठक में किसान संगठन के नेता आज सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिए गए हैं उसकी समीक्षा करेंगे और सर्वसहमति से 5 दिसंबर को यानी शनिवार को होने वाली पांचवें दौर की महत्वपूर्ण बैठक का एजेंडा तय करेंगे। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसान संगठन से जुड़े नेता भी आंदोलन की मांगों के साथ सुर मिलाने लगे। हरियाणा में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल JJP के नेता भी बयान देने लगे, जो किसान आंदोलन की मांगे भी रही हैं। दिग्विजय चौटाला ने राज्य सरकार से मांग की है कि किसानों पर दर्ज सारे मुकदमे वापस लिए जाएं। उनकी जो शंकाएं हैं, जो भ्रम है, उनको दूर किया जाए और किसान भाइयों को इन सभी समस्याओं से निजात दिलाई जाए। जो पिछले 2 दिनों में घटनाक्रम और टेलीविजन चैनलों पर हमने देखा, उससे लगभग प्रत्येक हिंदुस्तानवासी के दिल में कहीं ना कहीं पीड़ा हुई है। ये सरकार किसानों की हमदर्द है और इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, देश के कृषि मंत्री से उम्मीद करता हूँ, देश की केंद्र की सरकार और मोदी जी से उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इस सारे मामले का निपटारा केंद्र की सरकार किसानों के साथ मिलजुल करके करेगी। संघ के किसान नेताओं और JJP के आगे आने को इस तरह से क्या देखा जा सकता है कि सरकार कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात लिखने का इरादा जाहिर कर चुकी होगी। इन संगठनों का बाद में आना क्या इस ओर इशारा करता है कि क्रेडिट के बंटवारे के समय अपने पक्ष के लोग भी हाजिर रहें? जिस कानून को तालाबंदी के अंधेरे में अध्यादेश के जरिए चुपचाप लाया गया और विरोध के बाद भी पास किया गया, वो कानून अब सरकार के लिए चुनौती है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसके जरिए आगे की कहानी अपने आप बढ़ने लगेगी। आप कविता कुरंगुटी हैं, महिला किसान अधिकार मंच से हैं। बातचीत के लिए मीडिया को जारी 40 किसान नेताओं में कविता का भी नाम है। कविता कुरंगुटी किसान आंदोलन के बीच एक जाना माना नाम है। राष्ट्रीय स्तर पर जीवन यापन को बेहतर करने के लिए काम कर रहे 400 संगठनों के नेटवर्क आशा की संस्थापक संयोजक हैं। इस क्षेत्र में कविता का 25 साल का अनुभव है। वे पहले भी सरकार की कई कमेटियों में रह चुकी हैं, सलाहकार की भूमिका निभा चुकी हैं। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला किसान नेता और कार्यकर्ता आई हैं। यही नहीं, अपने साथ ये महिला नेता और कार्यकर्ता बहुत सारी नई कहानियां लेकर आई हैं। उनके लिए पुरानी होंगी, मगर आप दर्शकों के लिए ये कहानियां नई हो सकती हैं। और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो रोटियां सेक रही हैं, ये सभी लोग पंजाब से आए हैं। इस आंदोलन में यह भी नोट करना चाहिए कि सिर्फ महिलाएं रोटियां या खाना नहीं बना रही हैं, बल्कि पुरुष किसान भी रोटियां बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। यह भी नोट होना चाहिए कि रोटियां बनाने वाली महिलाएं सिर्फ पुरुषों का साथ देने नहीं आई हैं, उनके पीछे नहीं आई, बल्कि वे भी किसान आंदोलन में कार्यकर्ता से लेकर नेता के रूप में सक्रिय हैं। किसानों के इस प्रदर्शन में सभी के लिए जगह है। कई छात्र भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने हमें जगह जगह से वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। भूमिका सरस्वती, हरिंदर सिंह, फतेहवीर सिंह, गुरुम ने किसानों से बात की है, महिला किसानों से। रिसर्चर भी इस आंदोलन को मीडिया के कवरेज से अलग तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये सोच रहे लोग बाकी बस खाली किसानों का मुद्दा है, लेकिन ये किसानों तक ही सीमित नहीं है। इससे क्या होगा कि जो आम जनता है उसका भूख का सवाल है इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब खेती का निजीकरण हो जाएगा, पूंजीपति उसका भंडारण करेगा और उसको महंगे दाम पे उसको बेचेगा, जो कि गरीब मजदूर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एक ये रीजन है। और ये है कि जब मतलब कि पूंजीपति के हाथों में चला जाएगा ये, तो धीरे धीरे मतलब क्या सरकार का रोल खत्म हो जाएगा।
जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो उससे क्या जो फूड सप्लाई वाला जो महकमा है उससे क्या जो गरीब लोगों को राशन कार्ड के जरिए से जो राशन मिलता है, जो गेहूँ मिलता है उससे उसका घर परिवार चलता है, वो खत्म हो जाएगा। ऐसी कानून वापस करा के रहेंगे, चाहे सानू 6 महीने क्यों ना बैठना पै जाए, असी अपनी जान तड़ी ते रख के असी अपने घरों बाहर निकल। पंजाब दे विच जिहड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं जिहदा मोदी ते कोई असर नहीं होया, अज असी मोदी की जमीन ते आ के मोदी नूं पुछ रहे हैं कि साडे सवालों के जवाब दे, साडे हक आ जिहड़े ओह सानू वापस दे। अब हम आपको दो किसान नेता जसवीर कौर और हरिंदर बिंदु की कहानी बताना चाहते हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने 2 दिसंबर की प्राइम टाइम में पंजाब के मानसा की जसवीर कौर को दिखाया था। जसवीर कौर किस कदर चंदा लेने और हिसाब रखने में व्यस्त थी कि उन्हें नजर उठाने तक का वक्त नहीं मिला। जसवीर कौर भारतीय किसान यूनियन की उपाध्यक्ष हैं। रवीश रंजन ने काफी कोशिश की बात करने की मगर जसवीर कौर अपने काम में डूबी रही, फुर्सत नहीं पा सकी। मैम मैम जी मैं दिल्ली आ गई, तरीक पता हो जाए। इस मिनट हमारे बहुत ज्यादा बिजी है मंच का संचालन में, ये सारा पैसा भी जो है सारे लोग दे रहे हैं। रवीश रंजन 3 दिसंबर को दोबारा गए तो देखा कि जसवीर कौर फिर से अपने काम में मशरूफ हैं और उनके पास बात करने के लिए वक्त नहीं है। जसवीर कौर 1997 से पंजाब किसान यूनियन में सक्रिय हैं। इस वक्त सूबा कमेटी मेंबर हैं, पति भी किसान यूनियन में नेता हैं, बेटा भी सिंधु बॉर्डर पर बैठा है और बेटी डॉक्टर है। जसवीर कौर ने BA/BEd की पढ़ाई की है। हमें यह भी देखना होगा कि पंजाब में खेती किसानी में भी महिलाएं सक्रिय हैं, वही सक्रियता उन्हें किसान संगठन और आंदोलन तक में भागीदारी बढ़ा रही है। खैर, रवीश रंजन ने जसवीर कौर से बात कर ही ली। मैं किसान यूनियन में 97 से हूँ तो, और हम संगठन बना के लोगों को, जब से ये WTO के साथ गैट समझौता हुआ है तब से हम लोगों को इसके प्रति सचेत करते हैं, समझाते हैं। पहले मैं मुलाजम थी तो मुलाजमों में भी काम करती और लोगों को समझाते थे कि ये जो नीतियां बना रहे हैं कारपोरेट पक्षी, ये हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत घातक हैं, सारा ये पब्लिक सेक्टर ख़त्म कर देंगे। और वो हुआ भी कि आज तक सारा पब्लिक सेक्टर है जो उसका निजीकरण कर दिया है। अब कारपोरेट घरानों की आंख जो है वो हमारी जमीन पे आ गई है, तो इसलिए हमने लोगों को इकट्ठा किया कि हम किसी भी हालत में हमारी जमीन, हमारी फसल वो सरमाएदारों के हाथ में, कारपोरेट कंपनियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। यहाँ पे मैं स्टेज पे हूँ, स्टेज का कैसे चलाना है, संचालन कमेटी बनानी है, स्टेज में किसका नाम देना है, यहाँ को जो प्रबंध करना है, स्टेज चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करना है, हम फंड इकट्ठा करते हैं, और अनुशासन बना के रखना है, लोग थोड़ा बहुत गड़बड़े हो जाती है उनको समझाना, सफाई का प्रबंध करना, ये हम सब देखते हैं। किसान आंदोलन में जसवीर कौर 20-25 साल से, उनके काम की ईमानदारी देखिए कि उससे हटकर मीडिया से बात करने का वक्त नहीं है। यह जानकारी मैं इसलिए नहीं दे रहा कि गोदी मीडिया के पैनल में आने वाले प्रवक्ता शर्मिंदा हो जाएं, बस बता रहा हूं। मेघराज भक्तुआना के बारे में आप नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था। मेघराज खालिस्तान विरोधी थे, इसलिए 9 अप्रैल 1991 को खालिस्तानियों ने मेघराज पर ग्रेनेड से हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। जब हत्या हुई तब उनकी एक बेटी थी जो उस वक्त खेलने कूदने की उम्र की थी। आज उस बेटी की उम्र 43 साल है और वे किसान आंदोलन में हिस्सा लेने दिल्ली की सीमा पर डटी हुई हैं, बल्कि अपने संगठन का नेतृत्व कर रही हैं। गोदी मीडिया और IT सेल ने बहुत जल्दी कर दी किसानों को खालिस्तानी बताने में। करोड़ों लोग गोदी मीडिया की चपेट में हैं। यह जानकारी ऐसे लोगों की है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में इस खूबसूरत मुल्क की आबो हवा को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी है। पिता की हत्या के बाद भी छात्र नेता के रूप में हरिंदर बिंदु 1996 तक खालिस्तान के खिलाफ लड़ती रहीं। सिख लड़कों, लड़कियों और हिंदुओं की हत्या के खिलाफ आवाज उठाती रहीं। 1996 में पंजाब खेत मजदूर यूनियन में शामिल हो गईं, तब से लेकर आज तक महिलाओं को संगठित कर रही हैं। सन 2000 में भारतीय किसान यूनियन में शामिल हो गईं। बेटा है जिसे अपनी मां के पास पंजाब ही छोड़कर आई हैं।
हरिंदर बिंदु सन 2000 से ही औरतों को जत्थेबंद कर रही हैं, संगठित कर रही हैं। खुद का अपना कोई घर नहीं, दूसरे के घर में रहती हैं। हरिंदर बिंदु के पिता ने खालिस्तान के विरोध में जान दी। हरिंदर बिंदु खुद खालिस्तान के खिलाफ लड़ती रहीं, अब किसानों के लिए लड़ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के बनने का एक मकसद यह भी था कि महिला किसानों को किसान आंदोलन के मोर्चे में आगे किया जाए, शिक्षा, सेहत, बिजली, पानी सब मुद्दों पर महिलाओं को जागरूक किया जाए। यह ध्यान रखा गया कि मंच पर जब भाषण हो तो महिलाएं भी भाषण देने के लिए तैयार हों। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा में 40% सदस्य महिलाएं हैं। ये पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठनों में से एक है। इस संगठन की उपाध्यक्ष हैं हरिंदर बिंदु, मगर यहाँ एक्टिंग सेक्रेटरी के तौर पर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि पंजाब में एक प्रदर्शन के दौरान बाजू टूट जाने के कारण यूनियन के सेक्रेटरी आंदोलन में नहीं आ सके। हरिंदर बिंदु इतनी व्यस्त हैं कि वृंदा शर्मा को उनके बारे में जानकारी लेना मुश्किल हो रहा था। हर बातचीत के बीच फोन कट जाता था क्योंकि उनके पास कोई और काम आ जाता था। फिर रविश रंजन हरिंदर बिंदु के पास गए ताकि उनसे बातचीत हो सके। उन्होंने बताया कि सिर्फ उनके संगठन के तहत 5,000 औरतें दिल्ली आई हैं और पंजाब में भी इस वक्त 25,000 से 30,000 औरतें प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे किसानी के लिए वो 3 खेती विरोधी कानून लेके आए हैं, हमने उसका डटकर विरोध किया है। पंजाब में जहां हमारे किसान भाइयों, युवा और महिलाओं ने बड़ी गिनती में, बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट किया है, लगभग 4 महीने असी ये संघर्ष में हैं। और औरतां जो घरों में रहती थी, अब वो घर बार छोड़कर, अपने खेतों के काम छोड़कर जहां दिल्ली पर आई हुई है, दिल्ली के बॉर्डर पर है। हम अपने हक लेने के लिए आए हैं। वो जो कानून है उन्हें वापस कराने तक, जब तक वो रद्द नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते, तिन्ने खेती विरोधी कानून, बिजली एक्ट 2020, वो पराली का जो ऑर्डिनेंस है उसको खत्म कराने के लिए जहां आए हैं, हमारी महिलाएं जो 80 वर्ष की है वो भी जहां है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान हैं, सभी जहां हैं। हमने जहां इस धर्म में, इस प्रोटेस्ट में सब धर्मों के लोग हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सभी सूबों के लोग हैं। एक चीज और बताइए कि किसान यूनियन को जो है, जो किसान यूनियन है उसमें जो पुरुष हैं उनका वर्चस्व काफी ज्यादा है, तो महिलाएं किस तरीके से भागीदारी करती हैं उसमें? हमने अपनी जत्थेबंदी जो बीके जू अग्राहा है उसका जो इजलास होता है उसमें हमने जो कार्य निकाला है कि औरतों जो इस समाज में सबसे बद पीड़ित है उनको बराबर लेके आने के लिए हम जत्थेबंद करते हैं। उनको जत्थेबंद करने के लिए हमने बकायदा गांव में जाकर उनकी रैली करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती है इतने आपके साथ में? यहाँ पर आदमी लोग हैं, प्रोटेस्ट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है महिला? हमें मुश्किल नहीं आती। हमारे जो भाई है, हमारे जो बुजुर्ग है, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत साथ देते हैं। हमको मुरली जगह पे फ्रंट पे लिया जाता है, हमारा ख्याल रखा जाता है, हर मुश्किल का ध्यान दिया जाता है हमारी ओर से, औरतों की ओर से। जब हम दिल्ली की ओर बढ़े हैं, हमारी बहुत संख्या में महिलाएं थी और बच्चे भी थी, हमें हरियाणा के वासियों ने भी बड़ा साथ दिया है। आप जब अटारी बॉर्डर पर हैं, हमारी औरतें, उनको जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया है हरियाणा के लोगों ने, हमें कोई मुश्किल नहीं, हम मुश्किलों को सर कर जहां आए हैं। हरिंदर बिंदु का कहना है कि किसान आंदोलन में महिलाओं का दिखना उनके लिए नई बात नहीं है, वे खुद 20 साल से महिलाओं को संगठित कर रही हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की महिला इकाई भी है। महिला इकाई की गांव से लेकर जिला के स्तर पर कमेटी बनी है। ये बड़ी बात है कि भारतीय किसान यूनियन उग्राहा में 40% सदस्य महिलाएं हैं। मंच पर भाषण देने से लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने में उनकी भागीदारी अग्रिम मोर्चे पर है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है, किसी दल से नहीं जुड़ा है। किसान आंदोलन में साथ आई महिलाओं के साथ उनका परिवार भी है। छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो वहीं पर पढ़ाई कर रही हैं। 80-85 साल की औरतें भी आई हैं। कई औरतों ने पंजाब में अपने घर पर ताले लगा दिए हैं और सब परिवार यहाँ आ गई हैं।
उनका कहना है कि जमीन बचेगी तभी घर बचेंगे, इसलिए कानून का रद्द होना जरूरी है। अगर ऐसी इकोनॉमी नहीं रहेगी किसानों की, अगर उनकी इनकम नहीं रहेगी, तो जो लड़कियां उन परिवारों से आज पढ़ लिख कर कहीं और जा रही हैं, तो उनकी पढ़ाई का और उनका समाज में निकलने का और उनका जो स्टेटस है उसके साथ भी ये बात जुड़ती है कि वो औरतें समाज में जो अपना रोल है एक एज एन ह्यूमन बींग वो नहीं निभा पाएंगी। इसलिए हमें जो है लगता है कि हमें इस आंदोलन में सिर्फ एक रिजर्व फोर्स की तरह नहीं कि पंजाब में आज जो लोग हैं हमारे मर्द जो है यहाँ आ गए हैं, औरतें जो है पीछे मोर्चे संभाल रही हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि इन मोर्चों पे भी फोर फ्रंट पे उन्हें आने की जरूरत है। भारतीय किसान यूनियन उग्रहा की ये डिटेल बता रहे हैं कि जानने के लिए कितना कुछ है। हरिंदर बिंदु ने बताया कि इस आंदोलन में ऐसी भी औरतें आई हैं जिनके बेटों और भाइयों ने, पतियों ने खुदकुशी कर ली। पंजाब के कई किसानों ने खुदकुशी की है। इन महिलाओं की अलग से मांग होती है कि खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले, लेकिन उन्हें इस आंदोलन में अपनी मांग को पीछे कर दिया है उन्होंने। उनका कहना है कि कानून का मसला बड़ा मुद्दा है इस वक्त। ये पुरानी तस्वीरें हैं जो हरिंदर बिंदु ने ही हमें दी हैं। उन्होंने बताया कि आत्महत्या करने वाले किसानों के लिए लंबा संघर्ष कर 2014 में 96 करोड़ का मुआवजा उन परिवारों को दिलाया है। हर परिवार को 2 लाख रुपए मिले हैं। हरिंदर ने उस प्रदर्शन की अगुवाई की थी। अगर आप हरिंदर बिंदु के लिए ताली नहीं बजाना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन गोदी मीडिया के चक्कर से तो निकल आइए। वैसे आपको हरिंदर बिंदु के लिए ताली बजानी चाहिए। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के एक ट्वीट को ट्विटर ने फ्लैग कर दिया है, मार्क कर दिया है। आजकल ट्विटर झूठ या फर्जी वीडियो या तथ्य ट्वीट करने पर नीचे लिख देता है कि इसकी जानकारी संदिग्ध है। 28 नवंबर को राहुल गांधी ने किसान सुखदेव सिंह का एक फोटो ट्वीट किया था। इस फोटो में पुलिस सुखदेव सिंह पर लाठी चलाते हुए दिख रही है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में सुखदेव सिंह का एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि पुलिस ने नहीं मारा है। ट्विटर ने अमित मालवीय के ट्वीट के नीचे लिख दिया कि मैन्युपुलेटेड वीडियो है, यानी संदिग्ध है। सौरभ ने 60 साल के सुखदेव सिंह से बात की है जिन्हें लाठी लगी थी, और अमित मालवीय को लगा कि लाठी नहीं लगी थी। बहुत माड़ा महसूस कर रहे, साढ़े डांगा मारिया जी उन्होंने। अं उ जो तो गए साढ़े पहले उन्हें पानी मारिया, फिर अथरू गैस के गोले सुटे उन्हें। पहले पानी मारा उन्होंने, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर परे बॉर्डर आके गए, फिर डांगा मारिया उन्हें चालू कर दिया। फिर उन्होंने डंडा मारना शुरू कर दिया। डंडा बहुत मारा, पीछे भी मारा। कितना डंडा मारा आपको? डंडा बहुत पीछे भी लगा। आप दिखाइए, ये देखिए जो डंडा मारा है वो घाव देखिए इनके हाथ में, ये पूरा घाव है डंडे। ये बता रहे हैं पंजाबी में कि इनका ये तो एक निशान देखिए पूरा काला पड़ा हुआ है। और कहाँ कहाँ लगी इसके अलावा डंडा? पीछे भी लगा, लात पर भी लगा था, सारे शरीर पर लगा, पूरे शरीर पे लगे हैं। तो चोट काफी आई आपको? तो कब मारा? उस दिन शुक्रवार को? हाँ, शुक्रवार को मारा जी। बॉर्डर 27 तारीख को वहाँ सिंगू बॉर्डर पे। हाँ जी। तो वहाँ आप क्या कर रहे थे? हम लागे चले पार कर लगे, उन्हें लागे फिर सानू घेर के डांगा मारते। तो वहाँ पर जब आप अथे आगे खड़े थे तो क्या आपने कुछ किया था? क्या आपने पुलिस वालों को कुछ कहा था? ऐसे मारने लग गए आपको? नहीं, आप छोटा दिखाया, छोटा दिखाने से मारना चालू कर दिया। इस बार लगता है कि किसान गोदी मीडिया और आईटी सेल को समझकर दिल्ली की तरफ निकले थे। उन्होंने समझ लिया होगा कि दिल्ली पहुंचने पर गोदी मीडिया उनके आंदोलन को कैसे बदनाम करेगा, इसलिए वे अपने इरादे किसी और तरीके से मजबूत करके आए हैं। अपने मकसद में साफ है, तीनों कानून को वापस कराना है, ना कि मीडिया के कवरेज के चक्कर में फंसना है। ब्रेक में जाने से पहले इस खबर का जिक्र करना चाहता हूं। देश की जानी मानी कंपनी MDH मसाले के मशहूर मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का 97 साल की आयु में देहावसान हो गया। अपनी कंपनी के उत्पाद का खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बनकर धर्मपाल जी ने विज्ञापन को नए सिरे से परिभाषित किया। यही नहीं, 90 पार की उम्र की सक्रियता को भी नए सिरे से स्थापित किया। धर्मपाल जी के साथ एक दौर भी समाप्त होता है। उनकी पैदाइश आजादी से पहले पाकिस्तान के सियालकोट में हुई थी। इनके अपने जीवन की कहानी बहुत शानदार है। 1500 रुपए लेकर दिल्ली आए थे, 650 रुपए का टांगा खरीद कर चलाने लगे,
और अपनी एक कंपनी बनाई। पिछले ही साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मैंने उनके नहीं रहने की खबर प्राइम टाइम में सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई कि वे एक ऊर्जावान उद्यमी थे, बल्कि इसलिए भी कि वे हमारे चैनल के प्रायोजकों में से एक थे। उम्मीद है धर्मपाल जी और MDH को एहसास रहा होगा कि उन्होंने एक अच्छी पत्रकारिता को भी सपोर्ट किया है। हम इस कारण भी उन्हें याद करना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। NDTV इंडिया आपको मिस करेगा। किसान आंदोलन के संदर्भ में अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मांग है कि कानून में लिखकर गारंटी दी जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद नहीं होगी। लेकिन क्या सोचा गया है कि कानून की बनाई एजेंसियों ने ही अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया तो किसानों के पास किस तरह के अधिकार होंगे? अनुराग की रिपोर्ट मध्य प्रदेश की निमाड़ की मंडियों से है। वहां पर कपास की फसल बंपर रूप से आने लगी है, लेकिन किसान कहते हैं कि भारतीय कपास निगम, जिसका काम है MSP पर कपास खरीदना, वही MSP के बराबर कीमत नहीं दे रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? निमाड़ में सफेद सोना यानी कपास की बंपर आवक हो रही है। लेकिन मंडियों में हंगामा बरपा है। अधिकारियों का घेराव हो रहा है, मारपीट तक की नौबत आ गई है। आरोप है कि मंडी प्रबंधन और भारतीय कपास निगम यानी CCI की मिलीभगत से किसान लूट रहे हैं। आलम यह है कि RSS से जुड़े संगठन भी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। मनमाने तरीके से कोई भी वाहन खरीदते हैं और बहुत से किसानों को छोड़ दिया जा रहा है। 40% खरीदी है, 60% छोड़ दिया जा रहा है। बीच में एक बार और हम लोग मिले थे तो उसमें कुछ LRA का और तीसरी श्रेणी का कपास खरीदना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद भी मनमानी बहुत है। पेमेंट मंडी प्रशासन की लापरवाही की वजह से पेमेंट एक एक महीने तक 20-20 दिन तक किसानों को पेमेंट नहीं मिलता। आप चल के देख लीजिए, हमारे वनवासी भाई जो भी आते हैं वो कभी CCI में देते ही नहीं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर टू वोट दैट द बिल बी पास्ड, विधेयक को पारित किया, मोशन मूव दैट द बिल बी पास्ड, द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी पास्ड, दोज इन फेवर। दरअसल देश में जब नए कृषि कानून जोर शोर से लागू हुए उस वक्त बाजार में मुख्य नकदी फसल धान, कपास और सोयाबीन मंडी में आने के लिए तैयार थे। इस शोर में किसान को लगा कि उसे फायदा मिलेगा, लेकिन खुद केंद्र सरकार की कंपनी यानी CCI जब मंडी पहुंची तो उनके दाम सुनकर किसानों का आरोप है कि वो ठगे रह गए। ये CCI का जो अधिकारी है, यहाँ का मंडी सेक्रेटरी है और यहाँ के सारे व्यापारी है, सभी की मिली भगत है और सबको किसान के लूट में है। जिस दिन खंडी की का भाव 25,000 था, एक महीने के लिए 15 दिन के लिए 7,000 का भाव हुआ था। आज वर्तमान में 44,000 से लगाकर दबाया भाव बताया जा रहा है, फिर भी मीडिया के जरिए भी 50,000 होना चाहिए। आज की तारीख में 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के पास जाना चाहिए, मगर नहीं लेते। सफेद कपास कृषि कानून की एक स्याह हकीकत बताता है। देश भर में CCI कपास की सरकारी खरीदी के लिए अधिकृत है। कपास की MSP 5,825 रुपये प्रति क्विंटल है। किसान कहते हैं समर्थन मूल्य तो दूर की बात है, CCI वाजिब दाम देने को भी तैयार नहीं। आलम यह था कि छोटे किसानों ने तो पहले ही औने पौने दाम पर कारोबारियों जिनिंग फैक्ट्रियों को कपास बेचा, कई किसानों ने 2,000 रुपये प्रति क्विंटल तक। दिक्कत यह है कि CCI मंडी में फसल आने के लगभग 2 महीने की देरी से खरीदी करने आती है, ऊपर से कई नियम, जैसे कपास में नमी 12% से थोड़ी भी अधिक नहीं होनी चाहिए, रेशे की निर्धारित लंबाई उच्च मानक के अनुसार ही होनी चाहिए, लेकिन कपास की लेंथ मशीन के बजाय हाथ से देखकर किसान को भाव दिया जा रहा है। वर्तमान में जो कपास खरीदा जा रहा है उसके लिए 23.5 से लेकर 24.5 mm का कपास
का रेट 5,365 रुपये प्रति क्विंटल है, वहीं 24.5 से 25.5 जिसका रेट है 5,515 रुपये प्रति क्विंटल, इससे अधिक किसी किसान को नहीं दिया जा रहा। कपास थोड़े भी पीले रंग या मौसम से प्रभावित नहीं होना चाहिए, भंडारण की अपनी दिक्कत है, कपास सूखता है जिससे भंडारण में उसका वजन कम हो जाता है। जो किसान मंडी आ रहे हैं वो भी भीड़ से परेशान हैं। खरीदने के बाद कपास प्राइवेट जिनिंग प्रेसिंग के लिए जाता है, यहाँ से भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाता है। आरोप है कि जिस जिनिंग फैक्ट्री में CCI की रुई गठान का काम चल रहा है, वहाँ मिली भगत से अच्छी रुई की गठानों की अदला बदली कर ली जाती है। अच्छे लेंथ की रुई का बाजार मूल्य अच्छा होता है, जिससे कारोबारियों को सीधा फायदा मिलता है। खरगोन स्थित कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जो रुई लेंथ चेक होने आती है, गुणवत्ता के हिसाब से उसका MSP 5,775 से 5,825 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, लेकिन किसान से इस रेट पर कपास नहीं खरीदा जा रहा। कम से कम अपने 27.5 MM है खरदार के, और अधिक से अधिक 31 का बैठ रहा है आज की कंडीशन में। हमारे यहाँ CCI का आता है, कॉटन कॉर्पोरेशन का, प्लस लोकल पार्टियां जो भी जीनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये लोग टेस्ट करवाते हैं। यकीन करेंगे, निमाड़ की सबसे बड़ी कपास मंडी में लेंथ चेक करने की मशीन धूल खा रही है, यहाँ हाथ से चेकिंग होती है। लेब में तो चेक नहीं कराते हैं, मॉइस्चर चेक करते हैं, पर और यही बात भुगतान की तो कुछ 1-8% के आसपास शिकायतें हैं। हमारे पास लेब तो नहीं अवेलेबल है, तो CCI के जो अधिकारी हैं वो हाथों से लेंथ वगैरह देखते हैं। इससे खटिया कपास CCI ने खरीदा, यही खेल है, क्योंकि कई बार बेहतर कपास को भी गुणवत्ता के नाम पर कम मूल्य का बताया जाता है, नकार दिया जाता है, और वहां मौजूद कारोबारी उसे कम दाम पर खरीद लेता है। इस सफेद रुई का खेल बहुत काला है, और अगर किसानों की माने तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भी इसमें एक बड़ी भूमिका है, न सिर्फ खरीद तक बल्कि जब ये कपास मंडी से फैक्ट्री पहुँचता है, वहाँ भी वेयरहाउस मालिक, फैक्ट्री संचालक और CCI के अधिकारी हल्का और भारी माल कहकर एक एक ट्रक से 1 से 2 क्विंटल तक माल काट लेते हैं, ऐसे भी आरोप लगे हैं। अब सोचिए, जब सरकार MSP पर मौखिक आश्वासन देती है, उसके बाद अगर सरकारी कंपनी का ये हाल है तो व्यापारी क्या करते होंगे। खरगोन से आसिफ, बड़वानी से मुनाफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग बारी, NDTV इंडिया।